हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे पामिश चैनल आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है एक अलग टाइप का डिफरेंट टाइप का वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हमने बात किया है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट साइंस हो, लाइंस हो, या कोई पॉजिटिव साइंस हो, नेगेटिव साइंस हो, कोई स्पेशियस साइंस हो, जैसे टेम्पल हो गया या लोटस हो गया, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था भगवान विष्णु जी का पैरों के ऊपर, पैरों का एक मैंने पिक्चर अपलोड भी किया था, उनके पैरों में क्या क्या ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे स्पेशियस साइंस है, गदा है, टेंपल है, पद्म है, लोटस है, तलवार है, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंस थे। आपका शंख था, कंच था जिसको कहते, ऐसे बहुत से साइंस थे। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हाथ के ऊपर नहीं, ना कि कोई फिंगर के ऊपर साइन, लाइंस, माउंट्स, इनके ऊपर बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले कि आप सब देख सकते हैं, आज फिंगरप्रिंट पैटर्न के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सबको पता होगा आपके जो फिंगर्स है, 10 फिंगर्स है, तो आपका जो फिंगर्स है, चाहे थंब हो, चाहे इंडेक्स फिंगर हो, मिडिल फिंगर हो, चाहे आपका रिंग फिंगर हो या स्मॉल फिंगर हो, जो वो जो फिंगर होता है उसमें जो जो ये जो बनते हैं, जिसको हम पैटर्न कहते हैं, फिंगरप्रिंट पैटर्न कहते हैं, रिजेस कहते हैं, इसको ट्राई रेडियस, उसको डिफरेंट डिफरेंट उसको ये बोलते हैं, लेकिन उसको फिंगरप्रिंट पैटर्न कहते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ये फिंगरप्रिंट पैटर्न का मतलब क्या होता है, और इससे आप कैसे एक व्यक्ति का नेचर, एक व्यक्ति का एटीट्यूड, एक व्यक्ति का एक अपने काम करने का जो एग्जीक्यूशन होता है, आप उसको कैसे जान सकते हैं, आज हम इसके थ्रू जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, वैसे सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, अगर किसी को फ्री का रीडिंग चाहिए, फ्री का कंसल्टेशन चाहिए, जो कि पेमेंट नहीं कर सकते या पेड चार्जेस हमारे अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने अपने फेसबुक पर अपना खुद का एक ग्रुप खोला है, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री, फिर से बोल देता हूँ, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री। उस ग्रुप के लिए आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए अपना बहुत पाम पिक्चर्स, बहुत डिटेल्स, अपना क्लियर एक सवाल मुझे पूछ सकते हैं, मैं एक सवाल का आंसर फ्री में ग्रुप में दे सकता हूँ। और जो फिर भी लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे, नहीं समझ रहे, बोले सर ये पर्सनल है, मैं फिर से आपकी वीडियो के थ्रू बोलना चाहता हूँ, आपका पर्सनल है मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक पाम एनालिस करने के लिए मुझे आधा घंटा एक घंटा लगता है। मैं पर्सनली अगर हर किसी का पाम में आधा घंटा एक घंटा लेके मैं बैठूंगा, एनालिस करूंगा, तो मेरा टाइम, मेरा एनर्जी, मेरा नॉलेज सबका क्या वैल्यू रहेगा, बोलिए। मेरा टाइम तो होल टाइम मेरा 24 घंटा ही ऐसे ही सिर्फ लोगों को पर्सनली उनका सॉल्व करते ही सॉल्व हो जाएगा। और लोग भी आजकल के जो लोग है वो भी बहुत चालाक लोग है, मैं इसको ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वो मुझे पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं, अगर मैंने उनका प्रॉपरली टाइम दे के उनका रीडिंग दे भी दिया, फिर भी वही लोग कल जाके किसी और ग्रुप में, कल किसी और पर्सनल को मैसेज करते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। छोड़िए, हम आज मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखिए, फिंगर पैटर्न से आप कैसे पता लगाएंगे तो इंसान का काम करने का स्टाइल क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका एग्जीक्यूशन क्या है। देखिए, पहले आप जान लीजिए फिंगरप्रिंट पैटर्न के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। देखिए, जो फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है, जब एक माँ अपने किसी बच्चे को गर्भ धारण करती है, अपने पेट में जब होता है एक बच्चा या बच्ची होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जब प्रेगनेंसी को 4 महीने होते हैं, एक महिला गर्भधारण करती है, उसके 4 महीने में उसके पेट में जो बच्चा बच्ची जो भी होती है, उसके हाथ में ये जो फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, 4 महीने बाद से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और सब मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, बहुत सारी चीज़ लोग बोलते हैं सर किसी के हाथ नहीं है, क्या उसका लाइन्स क्या है, उसका तकदीर नहीं है, किसका ये नहीं है, वो इतना इलॉजिकल बातें कहते हैं, मैं इसके ऊपर जाता नहीं हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन आप सबका पता होगा ये फिंगरप्रिंट पैटर्न और हाथ के लाइन्स इतने पावरफुल है, आप इसका एक पॉजिटिव साइन, इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन यही होता है, हाथ के लाइन जो होते हैं वो आप खुद अपने कर्म के हिसाब से, अपने डेट्स के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन से। लेकिन अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे, अपने लाइफ को एक अच्छे वे में हैंडल करेंगे, अच्छा चीज़ करेंगे, अच्छा कर्म आप करेंगे, तो आपके हाथ के लाइन में भी चेंजेस होता है, तो वो चीज़ भी विजिबल होता है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके हाथ में भी वो नेगेटिव साइंस, नेगेटिव लाइंस जो ऑलरेडी है वो उसके और ज़्यादा वो नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं, और नेगेटिव अगर कोई नेगेटिव होने वाला है आपके साथ में तो नेगेटिव साइंस आपके हाथ में ऑटोमेटिक होता है, ये फैक्ट चीज़ है। और सबसे फिंगरप्रिंट हाथ के लाइंस के इन्फ्लुएंस यही है
अगर आपका हाथ कभी ना कभी किसी का बाई चांस एक्सीडेंट में जल गया, या हाथ में कुछ आग ऐसा कुछ लग गया, या आग आग कुछ हो गया, फिर भी आपका हाथ का जो लाइन्स है वो कभी नहीं मिटेगा। हाथ आपका स्किन शायद हो सकता है बर्न हो सकता है, आपका स्किन शायद हो सकता है वो जल जाएगा, वो आपका स्किन नहीं आप उसको बैक कर पाएंगे, या पिछले वाला स्किन आपको मिलेगा। अगर सर्जरी वर्जरी प्लास्टिक सर्जरी किया तो अलग बात है, लेकिन आपका जो पाम का लाइन से जो पैटर्न है ये कभी नहीं जाएगा। जितने भी आप आग में अपना हाथ दिखा दो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका लाइफ लॉन्ग, ये आपका डेस्टिनी, ये आपका फिक्स है, ये रहेगा 100% रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए जितने भी पुलिस स्टेशन हो गए, जितने भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो गए, वो आपके हमेशा आपका फिंगरप्रिंट पैटर्न ही लेते हैं, क्योंकि हर दुनिया में ऐसा कोई शख्स ही पैदा नहीं हुआ जिसका सेम रिज पैटर्न या सेम उनका फिंगरप्रिंट पैटर्न होगा। इसलिए वो पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है वो इस रिज पैटर्न के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, राधा देन बाकी अलग चीज़ें ऊपर, क्योंकि अब इंसान कोई अपना फेस सर्ज प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज कर सकता है, फेस मास्क लगा के कुछ ना कुछ करके अपना फेस को थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी पीरियड के लिए ढक सकता है या छुपा सकता है, लेकिन अपना ये जो फिंगरप्रिंट पैटर्न है ये कभी छुपा नहीं सकता है। ये जिसको चाहते भी इंसान कोई छुपा नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। वीडियो वैसे ही 6 मिनट का हो चुका है। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, 5 टाइप का फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है। होल होता है, लूप होता है, आपका टेंटेड आर्च होता है, कंपोजिट आर्च होता है। तो ऐसे 5 टाइप का होता है। इसके और ज़्यादा वो अगर जाएंगे तो डिवाइड करके जाएंगे तो लूप का रेडियल लूप होता है, उल्नार लूप होता है, इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को जानने के वो फ़ायदा है नहीं। मैं आपको ओवरऑल जो 5 चीज़ें हाथ में बेसिक देखा जाता है मैं उसके ऊपर आज मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए पहले बात करते हैं लूप के ऊपर। देखिए आप देख सकते हैं ये जो लूप है, देखिए ये हो गया आपका सेंटर कोर हो गया, ये आपका चीज़ हो गया, ये आपका रीच काउंट हो गया, ये जो ऐसे ऐसे है ये रीच काउंट हो गया, ये हो गया ट्राई रेडियस। ठीक है, देखिए आपको समझने वाली बात क्या है, आप जिसके हाथ में आप देखेंगे ये लूप जैसा फॉर्मेशन हो रहा होगा। लूप मतलब क्या, देखेंगे ऐसे ऐसे जैसे जैसे लूप फॉर्मेशन हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा जिसके हाथ में देखेंगे ये लूप पैटर्न बन रहा होगा उस व्यक्ति का। अगर आप देखेंगे मेजोरिटी में किसी के 5 फिंगर में, 3 में 4 में, 10 फिंगर में से मेजोरिटी में देखेंगे 10 में से देखेंगे 6 में ये लूप पैटर्न बन रहा होगा। तो उस इंसान का नेचर क्या होगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी माइंड का होगा, वो दूसरे के लिए ज़्यादा केयर कर रहा होगा, दूसरे के लिए केयर करेगा, दूसरे के मूड्स के लिए उसको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, उसका मूड ऐसा है ये है, बहुत ज़्यादा एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी होगा। और ऐसे व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर सकते एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही टाइम में वो फोकस नहीं कर सकते। ये है लूप टाइम, जिसका लूप पैटर्न ज़्यादा होगा हाथ में, एटलीस्ट 6 होगा, इसका नेचर ऐसा ही रहेगा। देखिए अब चलते बात करते हैं टेंटेड आर्च के बारे में। देखिए टेंटेड आर्च क्या शो करता है आपका, देखिए टेंटेड आर्च आपका ये शो करता है। देखिए टेंटेड आर्च कैसा है ना, ऐसे बड़े बड़े साइज में एक पर्वत होगा, टेंटेड एक नुकीला टाइप का एक पर्वत है, वो नुकीला टाइप का होगा, ऐसे करके पूरा नुकीला टाइप का ऐसा होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये आपके ऐसे 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 बहुत ज़्यादा टेंटेड आर्च जैसा नुकीला ऐसा बन रहा होगा। ये जो टेंटेड आर्च के जो पर्सनालिटी होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एनवायरमेंटल सिचुएशन को लेके, स्टिमुलस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत इजीली आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली नर्वस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आइडलिस्टिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा नर्वस, हाइपर नर्वस हो जाते हैं। तो इनके लिए एक सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगा, ये इनको पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव टू पीस कहते हैं, हारमोनियम ब्यूटी, इनको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है, ये जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इनके आर्ट फॉर्म्स या म्यूज़िक, इस सब चीज़ों में उनको ज़्यादा थोड़ा उनका इंटरेस्ट और झुकान उनका रहता है। देखिए अब चलते हैं, देखिए तीसरे चरण के, देखिए ये हो गया आर्च टाइप। ठीक है, देखिए आर्च टाइप के जो पर्सन होते हैं, आर्च टाइप पर्सन उनका नेचर आपका क्या क्या होता है, देखिए उनका उनका एक मेन प्रॉब्लम यही होता है
ये अपने जिसके दे, आप देखेंगे 10 में से 6 के पाम में आर्च टाइप का फॉर्मेशन बन रहा होगा। इस टाइप का पर्सन का नेचर क्या रहता है ना, जो आर्च टाइप का पर्सन होता है वो अपने बहुत ज़्यादा अपने आप पे खुद अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, अपने एक्शन को, अपने काम को, अपने विजडम को बार बार क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये मेरा जो काम है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, मेरे फ्यूचर के लिए सही है। बहुत ज़्यादा डिसीजन, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस या बहुत ज़्यादा फोकस लिए काम नहीं कर पाते हैं। देखिए इनके सबसे बेस्ट चीज़ एडवाइस मैं उनको यही दूंगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जिसे कहते हैं विद एक्सपीरियंस ही बिकम्स इंट्रोस्पेक्टिव एंड डिसीजन ओरिएंटेड इंडिविजुअल। जैसे जैसे उनको टाइम जितना ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा अपना डिसीजन और लेके उनका माइंड ये होगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो कहते हैं सही से डिसीजन ले पाएंगे, सही से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे उनके लाइफ लिए क्या सही है क्या गलत है। देखिए अब थर्ड चीज़ की बात करते हैं। देखिए ये आपका फोर्थ हो गया, होल टाइप हो गया। देखिए हाँ, देखिए अब जब भी देखेंगे ये होल टाइप का पैटर्न होता है जिसको चक्र कहते हैं। देखिए ये पैटर्न आपको क्या चीज़ शो करता है, जब देखेंगे किसी के 10 में से 6 में ये चक्र टाइप का होल टाइप का पैटर्न है। होल टाइप का मतलब देखिए आप समझ लीजिए, आप देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये सर्कुलर बन के एक सर्कुलर होगा, इसके ऊपर ऐसे बार बार करके एक सर्कुलर वे में एक ये रेडियस बन रहा होगा ऐसे करके। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेन पैटर्न है, यहाँ से करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये हो रहा है, इसको चक्र कहते हैं, होल टाइप जिसको कहते हैं। देखिए इसका मतलब यही होता है, जिसके हाथ में ये होल टाइप होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, डिटरमाइंड होता है, बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा अपने अपने काम अपने ज़्यादा ऊपर काम में बिलीव करता है, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने काम में ज़्यादा उनको फोकस होता है। इसके लिए बहुत सारे लोग उनको सेल्फिश या कोल्ड कहते हैं, लेकिन वो ऐसे होते नहीं है। देखिए ये अब ये बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, पूरा फोकस रहते हैं अपने काम के ऊपर, इसलिए बहुत ज़्यादा उन लोग उनको क्रिमिनल भी नहीं कहूँगा, रिबेल नहीं कहूँगा, लेकिन अगर ऐसे लोग कभी कोई अगर किसी का बुरा करना ऐसा कुछ ठान ले तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, क्रिमिनल टाइप भी हो सकते हैं अगर ये व्यक्ति को ठान ले किसी का नेगेटिव करने के लिए। तो ये ऐसे जो व्यक्ति देखेंगे, ऐसे व्यक्ति फिंगरप्रिंट पैटर्न व्यक्ति कैसे कंट्रोल में रहेंगे, सबसे बेस्ट रहेंगे ये बायोलॉजिक, आप उनको लॉजिक के साथ एक कन्वेंशनल वे के साथ आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये व्यक्ति अपने फील्ड में अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस उनको मिलता है, खास करके अगर वो साइंस और आर्ट्स के फील्ड में अगर ये ऐसा व्यक्ति उनका इंटरेस्ट है, उनको फोकस है, वो काम करे तो उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। देखिए अब बात करते हैं आखिरी टाइम में। देखिए वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट का हो चुका है। देखिए ये हो गया आपका आखिरी साइन, ये हो गया आपका क्या ना कंपोजिट टाइप, ये आपका कंपोजिट टाइप आर्च हो गया। देखिए जैसे मैंने इसे पहले ही बोला था, आर्च का मतलब क्या ऐसे ऐसे आर्च होता है, जैसे मैंने बोला था आर्च टाइप का मतलब होता है अपने अपने डिसीजन ले अपना डिसीजन ले कॉन्फिडेंट नहीं होते, अपने कोई अपने डिसीजन को हमेशा क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया कंपोजिट टाइप आर्च। कंपोजिट टाइप आर्च का मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मल आर्च क्या होता है, देखिए नॉर्मल आर्च क्या होता है ना ऐसे ऐसे नॉर्मल करके होता है, कंपोजिट टाइप का आर्च मतलब यही होता है। देखिए यहीं पर देखिए आप एक यहीं पर जा रहे हैं, दूसरा देखेंगे इस एंगल पे जा रहे हैं, तो इस क्या होता है ना इसका मतलब यही होता है, दो आर्च है लेकिन डिफरेंट वे में जा रहे हैं, एंगल में जा रहे हैं, एक जा रहा है इस एंगल में दूसरा जा रहा है इस एंगल में, तो डिफरेंट वे में एंगल में जाते हैं। तो आप देखेंगे इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, जिसके हाथ में 6 आप 15 में देखेंगे, 10 हाथ में 10 फिंगर में देखेंगे 6 पैटर्न आप ये देखेंगे, ये क्या होते हैं ना बहुत ज़्यादा वेसिलेटिंग पर्सनैलिटी होते हैं, तो इनका क्या होता है ना ये बहुत ज़्यादा अनेबल होते हैं कोई ओपिनियन या कोई भी कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज, जिसको कहते हैं अगर इनको लाइफ में इनको इन शॉर्ट से मैं इनको एडवाइस देता हूँ, अगर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अगर इनको लाइफ में सक्सेस पाना है तो सबसे बेस्ट यही रहेगा ये अपने लाइफ में कुछ एक माइंड बना ले, डिसीजन ले ले जो मुझे ये चीज़ करना है नहीं करना है उसके ऊपर ये कम्प्लीटली फोकस करके अपने गोल के ऊपर अपने डायरेक्शन के ऊपर अपने लाइफ डायरेक्शन के ऊपर फोकस करे, कम्प्लीटली काम करे और बार बार अपने इस चीज़ को
माइंड चेंज ना करे, थॉट ना ये ना करे, मैं ये कर रहा हूँ कि वो करता सही होता है, बिल्कुल ना करिए। आप थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए आपको क्या करना है, आपका लाइफ डिसीजन क्या है, आपका लाइफ में कोई चीज़ को आपको इंटरफेयर करना है, आपका लाइफ डायरेक्शन क्या है, आपका गोल क्या है, उसको फोकस करिए, उसके बाद काम करिए। और कभी भी उसको बार बार रिपीटेडली आप उसको क्वेश्चन मत करिए। जब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जितना से जितना स्ट्रॉन्ग बंदा क्यों ना हो या बंदी क्यों ना हो, तो वो पर्सन हमेशा एक जिसको कहते हैं एक थॉट्स में एक कन्फ्यूजिंग थॉट्स में स्टेट ऑफ माइंड में वो चला आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, इसलिए मेरा वीडियो देखने का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।